हेलो गाइस, दिस इज विनीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग आई आइडियाज फ्लेक्स। मेरे पास पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि हमारा जेईई मेंस और नीट क्या फर्दर पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि ये डाउट्स इस वजह से ज्यादा बढ़ गए हैं जब से हमारा सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज की है 10th और 12th के एग्जाम्स की। और उसके अलावा बच्चों के ये भी डाउट्स है कि एनटीए ने सेंटर्स डबल करने की भी बात रखी है, तो और भी ज्यादा बच्चों के जो है वो यार बहुत सारे डाउट्स बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा उनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स फिर से रह जाएं, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप यार बिल्कुल आप एक अच्छी डायरेक्शन मिले आपको कि मुझे किस डायरेक्शन में आखिरकार चलना है, मुझे पता तो चले मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड वीडियो है, बिल्कुल हम सारे फैक्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या जेई मेंस और नीट फर्दर पोस्टपोन हो सकते हैं, तो मेरा आंसर है हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। 70-80% अभी भी हमारे चांसेस हैं। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं यार पहला फैक्ट जानने के लिए। पहला जो हमारा फैक्ट है यार, जो हमारे केसेस हैं इंडिया के अंदर वो इस टाइम नियर बाई हमारे कितने हो चुके हैं, 1,18,000, जो कि हमारे बढ़ रहे हैं लगभग 6,000 पर डे के हिसाब से। जब 6,000 पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि रिकवरी अच्छी हो रही है, 2,000 के आसपास हमारी पर डे रिकवरी भी हो रही है, लेकिन जो ग्राफ है वो यार हम नहीं बुला सकते। ग्राफ जो है वो हमारा पीक को छूने ही वाला है, और पीक हो सकता है वो जून और जुलाई में यार छू ले, मतलब कि ग्राफ हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये यार एक मेजर हमारा फैक्ट है कि जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हो सकता है जून जुलाई में इतने केसेस हो जाए कि एग्जाम करवाने की सिचुएशन ही ना हो। दूसरा जो फैक्ट है वो है पॉपुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूएसए, इटली, इन सब कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो हमारी पॉपुलेशन जब ज्यादा है तो कोरोना के स्प्रेड होने के चांसेस भी इन फ्यूचर बढ़ जाते हैं। और हम जानते ही हैं कि मतलब यूएसए की पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। तो इस जो हमारा मतलब कि इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम चांसेस हमारे कितने कम हो जाते हैं इन फ्यूचर। फैक्ट नंबर 3 है यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और नीट एसएस ऑलरेडी हमारे क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। क्यों पोस्टपोन्ड हुए हैं, विनीत जोशी सर जो कि एनटीए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद बोला है कि ये जो एग्जाम है 9 लाख स्टूडेंट हम एक साथ सिट नहीं करवा सकते, तो इसलिए उन्हें जुलाई से पहले तो हम करवा ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या कर दिए गए हैं पोस्टपोन्ड। तो जब 9 लाख स्टूडेंट्स हम नहीं बैठा सकते हैं तो यार 11 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस वाले उसमें एग्जाम में बहुत ज्यादा मुश्किल चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ जो फैक्ट है वो है एज वी नो मतलब कि हमारा जो जेईई मेंस और नीट का एग्जाम है वो यार पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है, और छत्तीसगढ़ जो कि हमारा स्टेट है उसमें लगी पड़ी है सेक्शन 144। तो जब सेक्शन 144 लगी हुई है तो 3 मंथ्स के लिए वो लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता यार कि इतना आसान होने वाला है सेक्शन 144 के अंतर्गत ये सब एग्जाम करवाने। जो हमारा अगला फैक्ट है वो है जो कि स्टूडेंट्स जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एनटीए ने सेंटर्स डबल कर दिए हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, एनटीए ने बोला है कि सेंटर्स हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो जेई और नीट के एग्जाम सेंटर होते हैं, एग्जाम हॉल होते हैं, उसके जो सामने बिल्कुल बाहर भीड़ खड़ी होती है वो यार बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर आप उसकी कंपैरिजन करेंगे कि अगर आपने डबल भी कर दिए, डबल क्या आप ट्रिपल भी कर लेंगे, तो भी यार उस भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है कि कोई भी कंट्री अपनी यूथ पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होती है। क्यों इतनी डिपेंडेंट होती है, चाहे हम किसी भी कंट्री का फ्यूचर की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी यार हो, कंट्री यूथ पर ही डिपेंडेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम वो इस सिचुएशन में कंडक्ट कर पा पाएगी जिस सिचुएशन में हमें मतलब कि दिख रहा है कि क्या सिचुएशन इन फ्यूचर होने वाली है हमारे देश की। अगर एग्जाम कंडक्ट होगा भी तो वो बहुत ही ज्यादा यार क्या होगा हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से भरा होगा, ऐसा मतलब कि फ्रीली जैसे पहले होता था ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। जो अगला फैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है, उन्होंने बोला है डेट शीट के अंदर कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होती है तो उनके पेरेंट्स इन्फॉर्म करेंगे सीबीएसई वालों को कि हमारा जो है स्टूडेंट्स की तबीयत खराब है, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर हम यही केस जेई और नीट में बात कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट्स की तबीयत ज्यादा खराब है और उसका लास्ट अटेम्प्ट भी है, तो वो ना तो एग्जाम छोड़ सकता है, और एग्जाम में अगर जाएगा तो वो स्प्रेड कर देगा कोरोना वायरस, अगर उसे हुआ तो चांसेस बढ़ जाएंगे कोरोना फैलने के बहुत ज्यादा। तो कंट्री को, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, और सोचेगी भी मेरे अकॉर्डिंग सोचे।
तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे कि कैसे एग्जाम हमारे चांसेस इतने कम है कंडक्ट होने के उन डेट्स में जो कि हमारी डेट्स प्रोवाइडेड है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे मतलब ये लग रहा है कि एग्जाम कंडक्ट होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली सिचुएशन है। तो आज आपकी वो वाली सिचुएशन है, आपको टाइम मिला हुआ है 1 मंथ 2 मंथ का। हो सकता है इन फ्यूचर आपको रियलाइज हो कि इन 1 2 मंथ में मैं कुछ कर लेता तो आज ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ना IIT में जा पाएंगे, ना NIT में जा पाएंगे, ना ही एक अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज में जा पाएंगे। तो यार जितना भी अभी हमारा टाइम है 1 मंथ 2 मंथ, हम जितना अच्छा इसे कर सकते हैं उतना करें। आप बिल्कुल भी अभी हिम्मत ना हारे, आप अभी से भी स्टार्टिंग करेंगे तो भी बहुत अच्छा हमारा क्या होने वाला है, स्कोर होने वाला है। और जो हमारी गिवन डेट्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। जितनी भी हमारी डेट्स गिवन है उन्हीं के अकॉर्डिंग अभी हम क्या करेंगे प्रिपेयर। अगर इससे फायदा क्या होगा, अगर बाई चांस हमारी डेट्स इंक्रीज होती है, हमारी डेट्स अगर मान लो इंक्रीज हुई तो हमें ही तो टाइम मिल रहा है, हम तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर थे। और अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने एग्जाम कंडक्ट करवा भी दिया तो हम तो अपना प्रिपेयर थे पहले से ही। तो जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है वो हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर दे, उससे होगा क्या, आपको मतलब एनालाइज होगा कि आप कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ पे मतलब कि आप गलती कर रहे हैं। तो एनालाइज अच्छे से करें, 1 टेस्ट या फिर जनरली 2 टेस्ट आप दे सकते हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं कि मतलब 45 डेज में या फिर इतने कम समय में कैसे हम अच्छा स्कोर करें, तो ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को यार शेयर कर सकते हैं जिसे आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।